टेस्ट नंबर 23 पे हम आ गए हैं। व्हेनेवर द अलार्म क्लॉक रिंग्स आई यॉन स्ट्रेच एंड विल रोल। ये नहीं हो सकता जी, क्या वर्ब की एक लिस्ट बना रहे हैं, पहला प्रेजेंट है मतलब फर्स्ट फॉर्म है, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा फ्यूचर हो जाए, फिर लिस्ट चल रही है तो एक जैसे वर्ब चलेंगे। जैसे मैं कहूंगा आई प्लेड रेस्टेड एंड एंजॉय, नहीं मैं एंजॉयड ही कहूंगा, मुझे एक ही लय में जाना है। तो दैट इज वाई आपका विल रोल जो है वो उस पूरे सीक्वेंस की खिलाफ वर्जी है, प्योर उसकी जो है वायलेशन है। तो आप विल रोल नहीं, अकेला रोल ही लगाएंगे, ये विल जो है वो आपका बेसिकली गलत हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों बाटी, जहां कोई क्वेश्चन हो आपने पूछ लेंगे। 117 पे लैंडिंग आ गई। शी है बिगेन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज, पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर अंटिल द वुड हैड स्प्लिट। ना 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 ना, अंटिल द वुड स्प्लिट आना है। गौर करें, शी बिगेन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज, पाउंडेड इट हार्डर एंड हार्डर, बार बार वो टकराती रही, हत्ता के लकड़ी, क्या लकड़ी पहले से टूट चुकी थी। पास परफेक्ट हम उन एक्शन के लिए लगाते हैं जो माजी में किसी काम से पहले हुए हों के बाद में हुए हों। क्या लगाएंगे बच्चे, पहले हुए हों पास परफेक्ट वाले एक्शन माजी के किसी काम से के बाद में होते हैं। पहले हुए हों तो इसका मतलब हमने हेड स्प्लिट नहीं लगा सकते यहाँ, क्योंकि ये काम तो बाद में हुआ है और जो काम बाद में हुआ है उसको पास परफेक्ट नहीं दे सकते बच्चा पार्टी। आप लो जी, इसी खुशी में हम जो है वो हेड स्प्लिट को गलत कर देंगे। कहीं भी किसी भी ऑप्शन पर आपको कोई लड़ाई झगड़ा हो तो वो झगड़ा लड़ाई मेरे से शेयर कर देंगे। 118, आई मैनेज टू स्टैंड ऑन द पाथ बाय होल्डिंग टू अ लिटिल सैपलिंग बिकॉज इट वाज टू स्टीप फॉर माय फीट टू होल्ड अनलेस आई ब्रेस्ड माय सेल्फ। गौर करो इस ब्रेस में गलती क्या है, कि वो कह रहा है कि मैनेज टू स्टैंड, मैनेज पास्ट है, इट वॉज टू स्टीप पास्ट है, तो फिर ये ब्रेस प्रेजेंट कैसे आ गया, कि इतना डलवानी था कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल था अपने आप को ब्रेस करना, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, ये नहीं कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको यहाँ जो है वो ब्रेस्ड ही जो है वो जी। तो हमारे पास अब है सेंटेंस नंबर 119। अच्छा, जो 119 था वो इधर और है, जो आपके ओरिजिनल टेस्ट में था और था, हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं। पीपल स्टार्टेड टेल द स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग टू अम्यूज देमसेल्फ एंड टोल्ड इट इन अ मैनर ऑफ अ सोल्जर हु वाज ऑन अ कैंपेन। नहीं, वाज नहीं आना जी, हैड भी नाम है। देखिये, लोग कहानी सुनाते थे, स्टार्टेड टेल द स्टोरी, टोल्ड इट बताते थे, और जो चीज बताई जाती थी एक सोल्जर के बारे में, वो कैंपेन पर था, कंपेन पर पहले था कि बाद में था, बोले जरा। बोले स्टूडेंट्स, पहले था। तो ये काम चुके इन माजी के दो कामों से पहले हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट आना है। वॉज तो सेकंड फॉर्म है, तो हमें हेड थर्ड फॉर्म देनी है, तो हेड लगा के वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन होती है, तो हमने हेड बीन दे दिया। लेकिन जो आज के पेपर में जुमला था वो ये वाला था, 119 का, और he took the bit of thin string from the ground and was preparing to roll it up when he had seen Mr. Manana on his door staring at him। तो मनाना के तो स्पेलिंग को मैं देख रहा था कि मना और दरमियान में एन मिसिंग है इसमें। चलो खैर, अच्छा याद रखिएगा, वेन वाला पार्ट जो होता है ना उसमें कभी पास परफेक्ट नहीं आता, कभी भी पूरी इंग्लिश में नहीं है वेन एज और बिफोर वाले पार्ट में, जहां भी लिखा है वो ग्रामेटिकली असल में एक मिस्टेक है, आम यूसेज में हम चला जाते हैं। तो दैट इज वाई हम इसको किसी सूरत भी जो है वो सी को सही नहीं कर सकते। तो वेन ही सा मिस्टर मनाना ऑन हिज डोर स्टेप स्टेयरिंग एट हिम, तो जब उसने देखा मिस्टर मनाना को अपनी डोर स्टेप पर की तरफ घूरते हुए, तो ही टुक द बिट ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम हिज फ्रॉम द ग्राउंड एंड वाज केयरफुली प्रिपेयरिंग टू रोल इट अप
ठीक है जी। तो बच्चों ये बेसिकली व्हेन वाला पार्ट कभी पास्ट परफेक्ट नहीं लेता, दैट इज व्हाई हमारा सी ही जो है वो आंसर बन सकता है। इसको क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। 120 पर आ जाते हैं। व्हाइल बीइंग टेस्टेड द सेल्फ डिफेंस ट्रेनी ग्रैब्स, ओह गलती आ गई, ग्रैब्स नहीं है ना जी, ग्रैब्ड है। बीइंग टेस्टेड जब टेस्ट किया जा रहा था पास्ट है, फ्लिप्ड आगे लिखा हुआ पास्ट है, तो दो पास्ट के बीच में प्रेजेंट क्या काम कर रहा है, सीक्वेंस चल रहा है जुमले का कि सेल्फ टेस्ट ट्रेनी ने ओपोनेंट का हैंड पकड़ लिया। 121, यू विल बी रिसीव्ड माई आंसर बाय द टाइम द मीटिंग स्टार्ट। यू विल बी रिसीव्ड, यू विल हैव रिसीव्ड माई आंसर बाय द टाइम द मीटिंग स्टार्ट, यू विल हैव रिसीव्ड, आप रिसीव कर चुके होंगे मेरा जवाब जब मीटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है जी, बी क्यों नहीं आना, यू विल बी रिसीव्ड से जुमला पैसिव वॉइस हो गया, क्रिकेट विल बी प्लेड, क्रिकेट खेली जाएगी, यू विल बी रिसीव, यू को रिसीव किया जाएगा, ना ना ना, यू को रिसीव नहीं किया जाना, यू ने रिसीव करना है, फिर तो एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर हो गया, यू को रिसीव करना है, यू ने रिसीव करना है क्या, तो हमारे एक्टिव वॉइस देना था, और यहाँ एक्टिव वॉइस देने का एक ही सर, वैसे भी बाय द टाइम दिया हुआ है, बाय द टाइम मीटिंग स्टार्ट, मीटिंग अभी स्टार्ट होनी है, बाय के साथ फ्यूचर टाइम दिया तो वैसे भी फ्यूचर परफेक्ट रहना चाहिए, वो भी ठीक है आपकी बात। 122, इफ ह्यूमैनिटी डज नॉट फील द अर्जेंसी पोस्ट बाय क्लाइमेट चेंज, तो इफ वाले पार्ट में प्रेजेंट है, डज नॉट फील, और डज नॉट के साथ तो फील आना ही आना है, वो तो बात ठीक है। द प्लैनेट इज डेस्टिनी, ना 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 ना, प्लैनेट इज डेस्टिनी तो किस्मत है, नाउन है, हमें वर्ब चाहिए, द प्लैनेट इज डेस्टाइंड टू डूम, कि प्लैनेट तबाह हो जाएगा, इज डेस्टाइंड है प्रेजेंट ही, लेकिन उसका प्रेजेंट इनडेफिनिट आएगा, प्रेजेंट डेफिनिट का पैसिव बन जाएगा। द प्लैनेट इज डेस्टाइंड टू डूम होगा तो प्रेजेंट इनडेफिनेट ही, लेकिन उसका क्या बन जाएगा, यस पैसिव वॉइस बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो आई डू होप कि आपको ये मेरी बात भी पल्ले पड़ गई हो। यस सर। चलो दैट्स गुड। देखो प्लैनेट इज डेस्टाइंड का मतलब है प्लैनेट की किस्मत में लिखा जा चुका, प्लैनेट ने लिखा, सब्जेक्ट है प्लैनेट, इसी सेम है, तो प्लैनेट की किस्मत में लिख दिया गया। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं जी 123 पे, हम वो ऊपर जा रहा है। ओके गौर करें, इफ अ पर्सन बिलीव्स, तो बिलीव कौन सी फॉर्म होती है जी, बोले सर प्रेजेंट फॉर्म, बिलीव्स एक प्रेजेंट फॉर्म, वेरी गुड। और अगर बिलीव्स एक प्रेजेंट फॉर्म है तो हमें दूसरे हिस्से में यहां तो प्रेजेंट आना है या हमें दूसरे हिस्से में फ्यूचर लगाना है, हम वुड नहीं लगा पाएंगे, अगर प्रेजेंट लगाना है तो वो हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाएगा, फ्यूचर लगाएंगे तो वो जाहिर है हमारा जो है वो फर्स्ट कंडीशन के तौर पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो yes, sir. हमें क्या लगाना का, विल वी फर्स्ट कंडीशन, गौर करो ये कोई यकीन नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि हम इसको यूनिवर्सल ट्रुथ के जीरो कंडीशन लगा दें। तो अगर एक पर्सन यकीन करता है कि किसी किस्म का चार्म वेयर करना उसको किसी बैड लक से बचाएगा तो वो चार्म पहनेगा। ठीक है जी, डन हो गया। यस सर। चलिए दैट्स रियली गुड। 124 पर मैं लैंड कर रहा हूँ। If I worked hard according to the guidelines by my instructor, if के साथ second form है तो आगे would first form चाहिए, वो तो will first form दी हुई थी, तो ये will नहीं would आना है, ये भी गलती बड़ी बात थी, छोटी सी थी। 125, if you had been, अब had और been का कोई आपस में रिश्तेदारी नहीं है पूरी इंग्लिश में, had के साथ been हो सकता है, had के साथ अकेली थर्ड फॉर्म कोई आ सकती है, had के साथ been लगा के ing फॉर्म आ सकती है, पर had के साथ ING फॉर्म या बींग वगैरह कट्ठे नहीं, डायरेक्ट नहीं आ सकते, तो ज़ारा इधर हैड बीन ही चाहिए, ये थर्ड कंडीशन थी, इधर हैड बीन था और आगे वुड हैव थर्ड फॉर्म थी, वुड हैव हैड, वो आपका काम खत्म हो जाना था। 126 पर लैंडिंग कर रहा हूँ। इफ यू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर यू गो टू बेड यू विल स्लीप वेल, गौर करें अगर आप रात सोने से पहले मिल्क ऑफ ग्लास पीते हो आपको अच्छी नींद आएगी या
क्या ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है? साइंस साबित करती है कि रात सोने से पहले दूध पी लो तो नींद अच्छी आती है? नो सर, ऐसे तो नहीं। ऐसा इसका मतलब पॉसिबिलिटी जरूर है कि चलो थकावट थकावट उतर जाएगी, गर्मियां होती हैं, गर्म दूध होता है तो अक्सर थकावट उतर जाती है, तो हम कहते हैं कि जी अगर गर्म दूध पियोगे तो नींद जो है वो आपको अच्छी आएगी। पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, कंडीशन वन अप्लाई होगी, जीरो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। लेकिन बाकी तो जीरो कंडीशन में इधर ड्रैंक था तो आगे वुड फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, नहीं थी। इधर हैड ड्रंक था तो आगे वुड हैव थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, नहीं थी। इधर ड्रिंक था तो आगे विल ड्रिंक आना चाहिए था पर हैड स्लिप लिखा हुआ था, इसका मतलब बाकी सब में कॉम्बिनेशन गलत थे। 127 इफ आई हैड स्टडी, अब हैड स्टडी थी ना तो हैड स्टडीड होता है, गलत हो गया। इफ आई हैड स्टडीड तो आगे वुड हैव आना चाहिए था, तो वुड हैड लिखा, वुड के साथ हैव हो सकता है, फर्स्ट फॉर्म हो सकती है। If I had studied third form, had third form, I wouldn't have failed. So wouldn't have failed, would have third form. ठीक है जी। If I studied, ये second form है। आगे would first form चाहिए थी, तो would first form तो दी हुई थी। I wouldn't have to fail the exam. तो क्या wouldn't have to fail the exam गलत है बच्चे? Would not plus have यहाँ main verb है। क्यों है मेन वर्ब है? आगे तो कोई और वर्ब आया नहीं, आगे तो इन्फिनिटिव आ गया, तो पीछे सेकंड फॉर्म थी, आगे वुड फर्स्ट फॉर्म आई, सेकंड के साथ। हां हां सर, वुड के साथ बेस फॉर्म नहीं लगेगी बेटा, वुड के साथ बेर फॉर्म लगेगी, तो हैव बेर फॉर्म ही तो होती है। यस सर। बोले बच्चा पार्टी? यस सर, ठीक है। चलिए, दैट्स रियली गुड। तो यस सर, डेल्टा तो ठीक हुआ, फिर डेल्टा क्यों गलत किया हमने? बोले सर, आगे वुड हैव है और पीछे वो खाली, वो पास्ट है मतलब, तो पीछे भी हैड वाली होनी चाहिए था। हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है बेटा, अगर हैव में अकेला लगा दू मेन वर्ब के तौर पर तो ठीक होगा। ठीक है जी सर, ये तो सेकंड कंडीशनल बन रहा है ना, ये तो बन रहा है, यहाँ वुड फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल ठीक है सर। फिर आप ही बता दें इसमें क्या इशू, टू की वजह से नहीं, टू फील भी, आई वुडंट हैव टू फील, हैव टू क्या आप यूज नहीं करते सर? इधर हैव मेन वर्ब नहीं है या हेल्पिंग वर्ब? नहीं, मेरी बात गौर से सुनिए, वुड नॉट हैव बिल्कुल करेक्ट है। अब माइक बंद कर ले सर, वुड नॉट हैव बिल्कुल करेक्ट है, सिर्फ ये हो सकता है, ये हो सकता है कि प्लूरल वर्ब बन जाए। स्टडी करना, ओ ना पुत्र, बंद कर दो सारा कुछ, मैंने कहा माइक बंद कर दो, क्यों है भाई एनर्जी जाया कर रहे हो। इफ के साथ हैड सेकंड फॉर्म है, आगे वुड फर्स्ट फॉर्म आनी लगी हुई है, वुडंट हैव, ये हैव यहाँ मेन वर्ब है, मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब सिर्फ तब कहते हैं जब आगे मेन वर्ब, और अगर आगे मेन वर्ब ना तो हेल्पिंग वर्ब नहीं, खुद मेन वर्ब होता, तो हैव मेन वर्ब है, आगे तो कोई वर्ब आया नहीं, थर्ड फॉर्म तो आई नहीं, वो तो टू हैव टू फेल लिखा हुआ है, वो तो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव तो वर्ब होता ही नहीं, याद रखिएगा, वर्ब से बनता है पर वर्ब नहीं होता। ये जुमला स्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल ठीक है, सिर्फ मीनिंग वाइज खराब है। इफ आई स्टडी जी जी यही तो मैं कह रहा हूँ कि जुमला मीनिंग वाइज तंग कर दिया। अगर मैंने मेहनत पढ़ाई की हुई, आई वुडंट हैव टू फेल द एग्जाम, तो मुझे एग्जाम फेल नहीं करना पड़ेगा। ओ भाई, वुडंट हैव टू फेल, वुडंट हैव टू बी फेल्ड करना पड़ेगा, आपको इन्फिनिटिव को पैसिव बना के प्रेजेंट करना पड़ेगा। रीजन आई वुडंट हैव बी टू फेल का मतलब होना था कि मुझे फिर फेल नहीं हो जाना था, इसका मतलब यह हुआ कि आई जो मैं जो टू फेल को अगर इन्फिनिटिव को एक्टिव लगाता हूं तो मैं फेल हुआ हूं, मुझे ये इन्फिनिटिव पैसिव लगाना था ताकि मैं क्या नाम लेते हैं खुद फेल हो जाऊं, ना कि मैं किसी को फेल करता भी हूं। ठीक है जी, और मीनिंग की सिर्फ खराबी की वजह से डी थोड़ा सा मिस किया है, वरना डी स्ट्रक्चर वाइज को उसको इशू नहीं था इतना। 128 वुड
हैव आस्क्ड होना चाहिए था गलत, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है आस्क गलत, तो ही वुड बी आस्क्ड द न्यू बॉय पूरा हिस्सा ही गलत। ही वुड बी आस्क्ड उससे पूछा जाएगा, क्या मतलब ही ने पूछना है कि ही से पूछा जाएगा, ही ने पूछना है जुमले के मुताबिक, जुमले की मीनिंग है ही वुड आस्क द न्यू बॉय वेयर दे लिव, वो नए बच्चों से पूछता कि वो कहाँ रहते थे। तो दैट इज वाई अल्फा बीटा चार्ली तीनों में कॉम्बिनेशन ही गलत है। 129 पर लैंडिंग करते हैं जी, ये थर्ड कंडीशन है, इसमें इफ रिमूव कर दिया, और थर्ड कंडीशन में आपको पता है इफ रिमूव कर दें तो अ हेड बाहर आ जाता है। जुमला था इफ आई हैड नोटिस्ड हिज डेलिक्वेंसीज अर्लियर, तो वो इफ रिमूव हुआ तो हेड बाहर आ गया, हैड आई नोटिस्ड हिज डेलिक्वेंसीज अर्लियर, अगर मुझे उसकी खताओं का जल्दी पता लग गया होता, पहले पता लग गया होता, तो आगे वुड हैव थर्ड फॉर्म आनी थी, लगी हुई है वुड सडनली हैव वॉन्ड वुड हैव थर्ड फॉर्म आ गई, तो थर्ड कंडीशन हमारी अप्लाई हो गई। 130 पे आते हैं, आई डिडंट वांट टू गो टू द सिनेमा, देखो सी पढ़ रहा हूं, आई डिडंट वांट टू गो टू सिनेमा बिकॉज आई हैड ऑलरेडी वॉच द मूवी, देखो मूवी पहले देखी गई, सिनेमा वो बाद में गया, तो माजी के दो कम वो जाने की ख्वाहिश उसको बाद में नहीं, अब कह रहा मुझे जाने की ख्वाहिश नहीं थी, क्यों नहीं थी, सिनेमा पहले देख चुका था, दोनों काम माजी के, डिड नॉट वॉन्ट माजी है, डिड नॉट है, आगे भी सिनेमा मूवी उसने पहले देख चुका था, तो दो कामों में जो काम पहले वो पास्ट परफेक्ट होना है, वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता, वैसे भी आई के साथ हैज नहीं आता, ठीक है। और आई हैड बीन ऑलरेडी वॉच्ड, अब आई हैड बीन वॉच्ड तो पैसिव हो गया, मुझे देखा जा चुका था, आई हैड बीन वॉच्ड नहीं, आई हैड वॉच्ड आना चाहिए था, और डेल्टा में देखिएगा आई वुड हैव, तो हमें तो पास्ट परफेक्ट चाहिए, बिकॉज की बात बने सुने, क्योंकि वॉचिंग का काम पहले हुआ और ख्वाहिश देखने की बात भी नहीं हो रही थी, दो माजी के काम थे, जो माजी का काम पहले हुआ वो पास परफेक्ट आना था, तो वुड हैव वॉच तो पास परफेक्ट नहीं है ना, तो वो तो फौत हो गया, गलत हो गया। 131 यू ट्राई टू टेल मी देर वॉज नो वन एल्स देयर, तुमने मुझे ये बताने की कोशिश की कि वहां कोई और ना था, ठीक है डन हो गया, इसको हम कबूल करते हैं। देखो पीछे ट्राइड पास्ट है तो आगे प्रेजेंट तो नहीं ना होना चाहिए, ये इस भी गलत और भी गलत, हाँ ये ट्राई प्रेजेंट है तो आगे हैड थर्ड फॉर्म क्यों आएगी जी, हैड बीन हैड थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट तो तब लगाते हैं जब माम का माजी के किसी काम से पहले हुआ, तो इस जुमले में तो माजी है ही नहीं है तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के साथ पास्ट परफेक्ट में कैसे लगा दूं कि पास्ट परफेक्ट एक्शन प्रेजेंट से पहले हुआ, नहीं जी पास्ट परफेक्ट एक्शन पास्ट के किसी टाइम से पहले होता है, प्रेजेंट से नहीं, तो इसलिए हमारा डेल्टा भी गलत है। 132 बीटा पाड़ा हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन इन दिस कंपनी व्हेन यू रिटायर, व्हेन के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई जी, तो बिल्कुल वही रूल अप्लाई करना है जो इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म आए, इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म आए तो आगे आपको पता है कि अगर तो हम आगे जो है वो विल शैल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और उसी इफ की जगह पर मैंने व्हेन लगा दिया है, तो इसका मतलब दूसरे हिस्से में फ्यूचर आना है, चूंकि फ्यूचर आना है तो डिड यू हैव बीन भी गलत है, विल यू हैड बीन, विल के साथ कहां हैड आता है वो भी गलत है, तो क्या आना है विल यू हैव बीन, इफ वाले हिस्से में, व्हेन वाले हिस्से में, एज सून एज वाले हिस्से में अगर प्रेजेंट हो तो दूसरे हिस्से में फ्यूचर आना है, कोई भी फ्यूचर आ सकता है, मैंने कहा ये फ्यूचर परफेक्ट आ गया। डेल्टा में क्या हुआ कि व्हेन के साथ पास्ट लगा हुआ था रिटायर्ड, तो अगर व्हेन के साथ पास्ट हो तो दूसरे हिस्से में तब फ्यूचर नहीं यूज कर सकते, फिर आपको कोई ना कोई पास्ट का ही टेंस यूज करना था जो मीनिंग वाइज ठीक होता, तो डेल्टा भी गलत हो गया। 133 पे आता हूं, नॉर्मा अनलॉक द डोर एंड गो नहीं ना, फिर गो आना चाहिए पीछे अनलॉक जो था, अनलॉक द डोर एंड गो फिर ये वेंट आना चाहिए था, नॉर्मा अनलॉक गलत है, नॉर्मा एक लड़की है तो अनलॉक क्यों, अनलॉक आना है तो नॉर्मा अनलॉक द डोर एंड वेंट, दोनों पास पास्ट आ गए तो काम ठीक हो गया। 134 दो साइडों पर नजर आ रहा है, बाय आ टाइम कोलंबस साइट लैंडिंग, बाय द टाइम कोलंबस साइटिंग भी नहीं, साइटेड कोलंबस आज का है कि माजी का था, सिर्फ माजी का, तो माजी का था तो पास लगना चाहिए ना, तो साइटेड कि जब कोलंबस ने नई जो लैंड थी, जो सरजमीन थी उसको देखा, जब तक उसने उस तक पहुंचा, उसको देखा, उसको पा लिया, मोस्ट ऑफ हिज क्रू होता है जो आपका अमला होता हैड लॉस्ट ऑल द होप ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल की होप गुम कर चुके थी, बिल्कुल ठीक है पास परफेक्ट, पास डेफिनेट नहीं आना जो डेल्टा में दिया हुआ है। मुझे एक चीज बताएं, इस जुमले में दो काम हुए, कोलंबस उस जगह तक पहुंचा और उसके क्रू के मेंबर अपने बचने की उम्मीद छोड़ चुके थे, दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ,
उम्मीद छोड़ने वाला, उम्मीद छोड़, जो कि उम्मीद वो पहले छोड़ चुके थे, वो पास परफेक्ट हो गया और कोलंबस ने साइट बाद में किया तो वो पास इनफिनिट हो गया। यही तो मैंने आपको तरतीब बताई है कि माजी के दो एक्शन में जो पहले हो वो पास परफेक्ट, जो बाद में हो वो पास इनडेफिनिट। आखिरी वाला शी वर्ल्ड विद अ गास्प, गास्प होता तीर से सांस लेना, एज द टेलीफोन रैंग। ये बात कल भी बात मैंने की थी कि एज के साथ, व्हेन के साथ, बिफोर के साथ आप पास परफेक्ट यूज नहीं कर सकते हेड रंग फोटो। व्हेन के साथ दोबारा नोट कर लें अपने पास, एज और बिफोर के साथ पास परफेक्ट नहीं होता। आज के पेपर में ऊपर भी बताया था, वॉज रंग, व्हेन द टेलीफोन रहा वॉज रंग, ये तो बड़ा अजीब हो गया। जब टेलीफोन बजाया गया, टेलीफोन बजाया गया नहीं, टेलीफोन बजता है, पैसे वैसे नहीं यूज करना। अब आते हैं लाइक, लाइक नहीं आएगा। शी वर्ल्ड विद अ गैस लाइक द टेलीफोन रैंग, इसका मतलब है वो ऐसे मुड़े जैसे टेलीफोन की घंटी बजती, मतलब उसके मुड़ने का अंदाज घंटी बजने जैसा था। ये क्या हो गया, मुड़ने का अंदाज घंटी बजने जैसा कैसे हो सकता, तो वो हमारा गलत हुआ। ठीक हो गया जी, तो बच्चा पार्टी ये हमारा बी ठीक हुआ, पास्ट वर्ल्ड विद अ गैस एज टेलीफोन रैंग। हां जी कोई क्वेश्चन है बच्चे तो आप इसे पूछ सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं, एंड आई वुड डेफिनेटली आंसर यू पीपल।